नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। धार जिले के राजगढ़ में कांतिलाल भूरिया का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने कल पेटलावद में बयान दिया था कि हिंदू समाज से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दिन में चंदा लेकर रात को शराब पी जाते हैं। इसी बयान को लेकर समग्र हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व पार्षद नीलेश सोनी ने बताया कि इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। राजगढ़ की मेन चौपाटी पर हिंदू समाज के द्वारा कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया गया। देखिए खबर इसके पिलाई न्यूज पर। हम अपना परामाल अपना वो परामाल खाके चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे के मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर आप घर घर भाजपा के छुटे नेता जा रहे हैं मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। जावा के विधायक और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने समग्र हिंदू समाज और समर्पण निधि देने वाले हिंदू समाज और राम भक्तों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग दिन में राम मंदिर का चंदा करते हैं और रात को उसकी दारू पी जाते हैं। इसी संदर्भ में राजगढ़ हिंदू समाज और समग्र हिंदू समाज में आक्रोश है और कांतिलाल भूरिया का पुतला दहन किया जा रहा है। जय जय श्री राम।